नमस्कार दोस्तों, सीएनसी प्रोग्रामिंग ट्रेनिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ डाउट्स के बारे में, कुछ वहमों के बारे में, जो कि इंस्टीट्यूट के से रिलेटेड जो वहम हैं, जो डाउट्स हैं वो स्टूडेंट के मन में भरे हुए हैं। वो कौन से वहम हैं, कौन से डाउट्स हैं, उसके बारे में आज बात कर रहे हैं। तो दोस्तों, जब भी हमको कॉल्स आती हैं, बहुत सारे कैंडिडेट कॉल्स करते हैं, बहुत सारे स्टूडेंट हमको कॉल्स करते हैं कि सर आप सीएनसी का कोर्स करवाते हैं, बट अब कहाँ पर करवाते हैं, कैसे करवाते हैं। तो देखिए, हम डायरेक्ट बोलते हैं कि आपको जो करवाया जाएगा वो सारा कुछ सॉफ्टवेयर के ऊपर करवाया जाएगा। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में तो या तो ब्लैक बोर्ड के ऊपर करवाया जा रहा है, ब्लैक बोर्ड के ऊपर सिर्फ थ्योरी होती है, उसमें टीचर आपको ब्लैक बोर्ड के ऊपर लिखा देगा और आपने वो अपनी कॉपी में नोट डाउन करना है। उससे क्या होता है कि आप नोट तो कर लोगे, लेकिन आपको ये प्रॉपर नहीं पता लग पाएगा कि कहाँ पर मेरी गलती हो रही है, किस चीज़ की गलती हो रही है, किस कोड की गलती हो रही है। लेकिन अगर आप सॉफ्टवेयर के ऊपर करते हो, हमारे पास जैसे सॉफ्टवेयर हैं, उन सॉफ्टवेयर के ऊपर अगर आप प्रोग्राम बनाते हो, तो उस प्रोग्राम को बनाने के बाद अगर आप चलाओगे तो उसमें एरर शो करेगा अगर आपका प्रोग्राम गलत है। अगर आपका प्रोग्राम पूरा सही है तो वो चल पड़ेगा, ईजिली चल पड़ेगा। लेकिन अगर आपके प्रोग्राम में कहीं भी कोई गलती है, एक पॉइंट की भी अगर गलती है, तो आपका जो सॉफ्टवेयर है वो चलेगा नहीं, वहीं पर रुक जाएगा, एरर शो करेगा, अलार्म शो करेगा कि आपके प्रोग्राम में यहाँ पर ये गलती है। किस चीज़ की गलती है, किस कोड की गलती है, वो लाइन भी शो करेगी। जिस लाइन में गलती होगी वो लाइन शो करेगा, जिस कोड की गलती होगी वो कोड शो करेगा। इससे क्या होगा, आपका जो 99% जो बेस है वो क्लियर हो जाता है। अगर आप ये कहते हो, बहुत सारे स्टूडेंट हमको कॉल करते हैं, सर उस इंस्टीट्यूट में तो पूरा मशीन के ऊपर करवा रहे हैं, एक एक चीज़ हमको मशीन के ऊपर करवाई जाएगी, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। अगर आपके माइंड में ये डाउट भरे हुए हैं, ये वहम भरे हुए हैं कि वो वाले इंस्टीट्यूट में हमको सारा कुछ, एक एक चीज़ मशीन के ऊपर करवाया जाएगा, एक एक ड्राइंग मशीन के ऊपर बनाई जाएगी, एक एक पीस का उसको कन्वर्ट करके दिखाया जाएगा, तो ऐसा कुछ नहीं है। मैं सभी की बात नहीं कह रहा हूँ, लेकिन ये है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट 100 में से 80% जो कि फेक हैं, जो कि फ्रॉड हैं। वो फेक और फ्रॉड क्यों हैं, वैसे फ्रॉड नहीं है, वैसे फेक नहीं है, लेकिन इस बात में फ्रॉड और फेक हैं। क्यों, जब आप उनको कॉल करोगे वो क्या बोलते हैं कि आपको हम एक एक चीज़ मशीन के ऊपर करवाएंगे, एक एक पीस आपको मशीन के ऊपर बना के दिखाएंगे। बहुत सारे सरकारी इंस्टीट्यूट हैं, बहुत सारे प्राइवेट इंस्टीट्यूट हैं, लेकिन सरकारी इंस्टीट्यूट में आपको डायरेक्ट बोला जाता है कि आपको पूरा हम जो सिलेबस है पूरा कंप्लीट करवाएंगे। वो मशीन वगैरह जिस पर भी कराएं वो चीज़ पहले डिस्कस नहीं होती, वो आपको बाद में जाके पता लगती है। लेकिन मैं प्राइवेट इंस्टीट्यूट की बात कर रहा हूँ दोस्तों, किसी भी प्राइवेट इंस्टीट्यूट में अगर आप कॉल करते हो, अगर वो टीचर आपको ये बोल रहा है, इंस्ट्रक्टर आपको ये बोल रहा है कि हम आपको सारी चीज़ें मशीन के ऊपर करवाएंगे, मतलब एक एक प्रोग्राम आपको, एक एक पीस आपको मशीन के ऊपर बना के दिखाएंगे, तो ऐसा कुछ नहीं है। किसी के बहकावे में नहीं आना है, किसी के चक्करों में नहीं आना है। अगर आपको लगता है कि ये इंस्ट्रक्टर, ये टीचर हमको बोल रहा है कि हम एक एक चीज़ आपको मशीन के ऊपर बना के दिखाएंगे, तो आप उनको बोलिए, ठीक है सर, मैं देखना चाहता हूँ कि आपके इंस्टीट्यूट में मशीन के ऊपर प्रॉपर करवाया जाता है कि नहीं, मैं सिर्फ 2 दिन की क्लास लेना चाहता हूँ। तो आप 2 दिन की क्लास लीजिए, वो 2 दिन की क्लास में आपको पता लग जाएगा कि वो मशीन के ऊपर करवा रहे हैं कि नहीं करवा रहे हैं। दोस्तों ऐसा होता है, देखो जिस इंडस्ट्री में मशीनें लगी हुई हैं, उन्होंने तो उससे जॉब निकालनी है, उससे प्रोडक्शन निकालनी है, उनको उससे इनकम हो रही है। तो वहाँ पर अगर एक मशीन 35-40 हज़ार रुपये बिजली का बिल भी अगर निकालती है तो उनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि उनकी इनकम बहुत ज़्यादा उससे हो रही है। अगर हम इंस्टीट्यूट की बात करें, अगर 35-40 हज़ार रुपये एक बिजली का ही पे करेगा कोई, तो वो फीस क्या लेगा? क्योंकि देखिए, बहुत सारे इंस्टीट्यूट में अगर आप कॉल करते हो तो क्या बोलेंगे, 15 हज़ार फीस है, 17 हज़ार रुपये फीस है। तो आप लोगों को ये लगता है, हाँ जी ये मशीन के ऊपर करवा रहे हैं इसलिए इनकी फ़ीस हाई है। ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों, मशीन के ऊपर कोई नहीं करवाता है। अगर हम अपने इंस्टीट्यूट की बात करें तो हम सॉफ्टवेयर के ऊपर करवाते हैं, आपको सेटिंग का भी सॉफ्टवेयर करवाएंगे, आपको प्रोग्रामिंग का भी सॉफ्टवेयर करवाएंगे, आपका जो 99% बेस है वो सारा क्लियर हो जाएगा। तो ये जो आज की वीडियो बनाने का मकसद यही है कि आप लोगों को ये बताना, आप लोगों के मन में जो डाउट है उन डाउट को क्लियर करना, कि किसी भी इंस्टीट्यूट में अगर आप ये सोच के जाते हो कि हमको सारी चीज़ें, एक एक प्रोग्राम मशीन के ऊपर करवाया जाएगा, तो ये गलत है। ऐसा कुछ नहीं होता दोस्तों। अगर कोई भी आपको बोल रहा है कि मशीन के ऊपर आपको करवाया जाएगा, तो उनको बोलिए, ठीक है सर, आप 2 दिन की हम क्लास लेते हैं, हमको बताइए मशीन के ऊपर करवा के दिखाइए कैसे आपने करवाना है। तो ऐसा कोई आपको नहीं करवाएगा। उन्होंने आपको डायरेक्ट बोलना, नहीं जी पूरी की पूरी पेमेंट आपको एडवांस जमा करानी पड़ेगी, फिर आपकी क्लास स्टार्ट होगी। तो उसमें क्या होता है दोस्तों, पेमेंट आपने दे दी, उसके बाद वो करवाएं ना करवाएं उसकी तरफ से, अगर एक बार आपकी पेमेंट चलेगी दोबारा वापस आने वाली नहीं है। तो अगर हम, बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, सभी फेक नहीं हैं और सभी रियल भी नहीं हैं, लेकिन ज़्यादातर फ्रॉड हैं, और जो रियल हैं
उनका पता लगाना, उनको फाइंड आउट करना बहुत ही मुश्किल है, बहुत ही क्रिटिकल है। देखिए, हमारा वीडियो बनाने का मकसद ये नहीं कि आप हमारे इंस्टीट्यूट में ज्वाइन करो, लेकिन आप कहीं पर भी अगर ज्वाइन करते हो तो उस इंस्टीट्यूट में आप ज्वाइन करो जहाँ पर आपका जो पैसा है वो इन्वेस्ट होगा, ना कि वेस्ट होगा। आपका जो टाइम है वो इन्वेस्ट होगा, ना कि वेस्ट होगा। आपका पैसा वेस्ट नहीं होना चाहिए, आपका पैसा खराब नहीं होना चाहिए, आपका टाइम खराब नहीं होना चाहिए। इसलिए हम YouTube के ऊपर ये वीडियो डाल रहे हैं, और हमारा वीडियो डालने का कोई मकसद नहीं है। आपको अगर लगता है हमारे इंस्टीट्यूट में प्रॉपर करवाया जा रहा है तो आप एक बार आइए, डेमो क्लास लीजिए। हमारा सिस्टम क्या है दोस्तों, कि अगर फीस आपकी 10,000 है तो हम हाफ फीस लेते हैं। आप हाफ फीस जमा कराइए, उसमें आधा कोर्स आपका हो जाएगा, नेक्स्ट आप 5,000 रुपये देके अपनी कंटिन्यू क्लास कर सकते हैं। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में 15,000 आपकी ले ली, आपका बीच में कहीं काम पड़ गया, कहीं जाना पड़ गया आपको, आपके तो वो 15,000 रुपये फंस गए। तो ऐसा दोस्तों, आपने कहीं भी अपना पैसा अगर इन्वेस्ट करना है तो उससे पहले 100 बार सोचिए कि आपने ये पैसा किस तरह से कमा रखा है, ये मेहनत का है या कैसा है। अगर आपका 2 नंबर की कमाई है फिर तो कहीं भी आप वेस्ट करो, उसका कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर मेहनत की कमाई है तो उसको इन्वेस्ट करने से पहले 100 बार सोचना जरूर कि हाँ, अगर ये इंस्टीट्यूट वाले हमको ये बोल रहे हैं कि हम मशीन के ऊपर प्रॉपर करवा रहे हैं तो देखें तो सही कि मशीन पर हो भी रहा है या नहीं हो रहा है। तो दोस्तों, आज आपको हम डायरेक्टली बोलते हैं कि कोई भी इंस्टीट्यूट आपको एक एक चीज़ मशीन के ऊपर नहीं करवाएगा। ये सिर्फ कहने की बातें होती हैं, अगर यहाँ की अगर हम बात करें तो आपको एक एक चीज़ क्लियर करवाई जाएगी। वो सारा कुछ आपका प्रैक्टिकल ही है, मशीन पर नहीं होगा, लेकिन सारा कुछ आपका प्रैक्टिकल है, कंप्यूटर के ऊपर होगा। आपके पास लैपटॉप है, कंप्यूटर है, उसमें भी इंस्टॉल कर देंगे, जिससे आप घर पर भी प्रैक्टिस कर सकते हो। 2 घंटे की दोस्तों क्लास होती है, और यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह है कि कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है, कोई एडमिशन चार्ज नहीं है, कोई सर्टिफिकेट का चार्ज नहीं है। बहुत सारे इंस्टीट्यूट में आपने देखा होगा कि बाद में पता लगता है कि सर्टिफिकेट के भी 2,000-2,500 लेने लग रहे हैं वो। तो बाद में आपको पता लगता है कि ये हमको 2,000 और 2,500 भी पे करना पड़ेगा, तब जाके हमको सर्टिफिकेट मिलेगा। सो दोस्तों, यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन चार्ज नहीं है, कोई सर्टिफिकेट चार्ज नहीं है, कोई एडमिशन चार्ज नहीं है। पूरे कोर्स की फीस ही 10,000 है, उसमें आपको टाइम चाहे 3 महीना लगे, 4 लगे, 6 महीना लगे, उसमें आपका पूरा कंप्लीट करवाया जाएगा, कोई एक्स्ट्रा आपसे फीस नहीं ली जाएगी। सो दोस्तों, आपने ये चीज़ जरूर सोचनी है कि अपना पैसा आपने वेस्ट करना है या इन्वेस्ट करना है। सो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।